हेलो फ्रेंड्स, आयुषी मिश्रा फूड ब्लॉग में वेलकम है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के बीच में एक रेसिपी शेयर करेंगे। ये रेसिपी हमारी एकदम से यूनिक है, ये रेसिपी एकदम से यूनिक है। तो फ्रेंड्स, घर में अक्सर चावल बच ही जाता है, उसी बचे हुए चावल का आज हम बनाएंगे नाश्ता। इस नाश्ते को आप चाय के साथ में खाइए, हरी चटनी के साथ में खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। आप अगर मेरे तरीके से बनाएंगे तो सही तरीके से चावल का इस्तेमाल भी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज हम अपनी रेसिपी कैसे बनाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहना फ्रेंड, अंत तक जरूर देखना कि आज मैंने अपनी रेसिपी कैसे बनाई है और किस किस ट्रिक से बनाई है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने लिया है एक आलू, ये आलू हमारा उबला है, इसको मैंने मैसर से मैश कर लिया है। एक हमारा प्याज है, इसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। ये है हमारा टोस्ट, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये हमारा दो टोस्ट है, आप चाहो तो ब्रेड भी ले सकते हैं। ये हमारी हरी धनिया की पत्ती, इसको मैंने धुल के बारीक बारीक कट कर लिया है। यहाँ पे हम लिए हैं हरी मिर्च, ये हमारा चार पांच हरी मिर्च है, मैंने इसको कट कर लिया है। ये हमारा अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। ये हमारा तेल, तेल हमारा रिफाइंड का है। इतनी हमारी सामग्री है फ्रेंड्स। अब इसको हम साइड में रख देते हैं सामग्री को अपनी। तो प्लीज़ वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगी कि कैसे मैंने अपनी रेसिपी बनाया है। ये हमारा चावल है, चावल मैंने रात को बनाया था, बच गया है एक से डेढ़ कटोरी हमारा चावल है। अब एक बाउल लिए हैं, उसी बाउल में हम चावल ट्रांसफ़र कर लेंगे, पूरा चावल इसमें हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे नाश्ता तो बहुत ही अच्छा बनेगा, बहुत ही टेस्टी। इसको हम हाथों से मैश कर लेंगे चावल को अपने, ऐसे हम हाथों से पूरा चावल मिक्स कर लेंगे। इसको हमें ग्राइंड नहीं करना है, ऐसे हम मिक्स कर लिए हैं चावल को। यहाँ पे जो मैंने उबाला हुआ आलू लिया था ग्रेट करके, इसको भी इसी में हम डाल देंगे आलू पूरा चावल में। ये नाश्ता एकदम से यूनिक है, इसे देर ना करते हुए जल्दी कीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पर हम लिए हैं जो ये हमारा टोस्ट था, उसको भी इसी में हम डाल लेंगे। आप चाहो तो ब्रेड या रोटी भी डाल सकते हैं, लेकिन उसको ग्राइंड करके डालना होगा। ये हमारा प्याज है, प्याज भी इसी में हम डाल के मिक्स कर लेंगे। सारा प्याज भी इसी चावल में हम डाल लिए हैं। अगर आप फ्रेंड्स फ्रेश चावल का भी बना सकते हैं। ये है हमारा अदरक, अदरक भी इसी में हम डाल दिए हैं। ये हमारा हरी मिर्च, हरी मिर्च भी इसी में हम डाल दिए हैं चावल में। ये हमारा धनिया की पत्ती कटी हुई, इसको भी सारा हम धनिया की पत्ती भी डाल लेंगे। धनिया की पत्ती हमारा एक कटोरी है, धनिया की पत्ती थोड़ा सा हमें ज़्यादा ही डालना होता है। ये हमारा चाट मसाला एक चम्मच, इसको भी डाल दिए। आप चाहो तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, चाट मसाला डालने से बहुत ही टेस्टी लगता है। आधा चम्मच हमारा जीरा है, इसको भी इसी में हम डाल दिए हैं। ये हमारा नमक है, आधा चम्मच नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हमारा नींबू है, आधा मैंने नींबू लिया है काट के, इसको भी इसी में हम निचोड़ देंगे। इसका बीज जो है, इसका बीज भी हम अलग कर देंगे। इस तरीके से बनाने से नाश्ता बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। अब हम हाथों से मिक्स कर लेंगे सारे सामग्री को और चावल को अच्छे से, ये हमारा मिक्स हो जाएगा। इस तरीके से बनाने से चावल का सही तरीके से इस्तेमाल भी हो जाता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। घर में बच्चे और बड़ों को सभी को पसंद आता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा तेल है, ये हमारा रिफाइंड है, आप चाहो तो सरसों का भी ले सकते हैं। इसको हम हाथों में लगा के, ऐसे दोनों हाथों में लगा के मिक्स कर लिए हैं। दोनों हाथों में लगा लिए हैं तेल पे। अब ऐसे हम इसको, आप चाहो तो टिकिया की तरह बना सकते हैं, जैसे रोल की तरह सिलेंडर की टाइप, ऐसे हम इसको बना लेंगे। ऐसे इसको हम बना के आप जिस साइड में चाहो उस साइड में आप बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हम सारे नाश्ता अपना बना लिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका लुक ही कितना ज़्यादा अच्छा है, इसका देखने में इतना ज़्यादा लुक है तो खाने में कितना ज़्यादा टेस्टी होगा। सारा नाश्ता हम बना के रख लिए हैं एक प्लेट में। यहाँ पे हम लिए हैं पानी, ये है हमारा बाउल, इसी में हम आरारोट पाउडर भी डाल देंगे दो चम्मच। ये हमारा आरारोट पाउडर है। अगर आपके पास में आरारोट पाउडर नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। ये हमारा नमक है, नमक थोड़ा सा हम कम ही डालेंगे, एक चुटकी हमारा नमक है। अब इसको हम डाल के मिक्स कर लेंगे एक स्पून से। नमक और आरारोट पाउडर हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, थोड़ा थोड़ा हम पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे एक स्पून से। अगर बैटर पतला लग रहा हो तो आप एक चम्मच और आरारोट डाल सकते हैं फ्रेंड्स।
ऐसे हम मिक्स कर लिए हैं। थोड़ा सा हम इसको अरारोट और डाल लेंगे, थोड़ा सा हमारा ये बैटर पतला लग रहा है। अब इसको डाल के मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से हमारा मिक्स हो चुका है। एक उंगलियों से ऐसे निशान बनाएंगे, अगर ये स्पून पे निशान बन जाएगा तो समझ लो परफेक्ट ही हमारा बैटर बन चुका है। अब इसी में हम डाल के अपना डिप कर लेंगे। ये नाश्ता जो मैंने बनाया था, ऐसे हम दो तीन डाल के इसी में डिप कर लेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पोहा है। इसको मैंने मिक्सर जार में डाल के ग्राइंड कर लिया है, काफ़ी इसको हमें बारीक ही पीसना है। अब इसी में हम डाल के नाश्ता अपना इसमें हम डिप कर लेंगे। ऊपर से इसमें हम डाल के पोहा अपना अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये पोहे में हमारे अच्छे से मिक्स हो चुका है। इस तरीके से ऐसे मैंने सारा नाश्ता बना लिया है और पोहे में लगा लिया है। नाश्ते के ऊपर पोहा लगाने से बहुत ही अच्छे से नाश्ता बन जाता है। सबसे पहले हम गैस को ऑन किए हैं, उसी पे एक कढ़ाई रख दिए हैं और तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसी में हम नाश्ता अपना डाल देंगे। जितना हमारा नाश्ता आ जाएगा उतना नाश्ता हम एक ही करके इसमें हम डाल दिए हैं। गैस की फ्लेम हम मीडियम ही रखे हैं। अब इसको हम एक एक करके चला लेंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे तरीके से बना लिया तो आप इसको बार बार बनाना पसंद करोगे। इतना ज़्यादा है ये टेस्टी, इतना ज़्यादा अच्छा ये बना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसको हम निकाल लिए हैं। दो मिनट बाद में हम हाई फ्लेम पे कर दिए हैं। हाई फ्लेम करने से बहुत ही अच्छा बन जाता है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जैसे फर्स्ट बैच बनाया ऐसे हम सेकंड बैच भी बना लेंगे। एक एक करके कढ़ाई में हम डाल देंगे। इतना हमारा आ गया है नाश्ता, इतना हम इसमें डाल दिए हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, सेकंड बैच भी हम इसी तरीके से बना लिए हैं। अब इसको हम इसी छलनी में डाल के निकाल लेंगे कि जितना हमारा तेल है कढ़ाई में तेल आ जाएगा। अब हमारा सेकंड बैच भी बन चुका है। प्लेट में हम सर्व कर लिए हैं नाश्ता को। ये देखिए फ्रेंड्स, एक थोक लिए हैं। इस थोक से टच करने से आवाज़ कितनी आ रही है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आप इसको हरी चटनी के साथ में खाइए, केचप के साथ में खाइए, चाय के साथ में खाइए। इस नाश्ते को बहुत ही अच्छा लगता है। इसको बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, झटपटी रेसिपी बन जाता है। तो आप अपने फैमिली या फ्रेंड में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। हम धनिया की पत्ती से गार्निश कर लेते हैं। तो आप मेरे यूनिक तरीके से एक बार जरूर ट्राई करना। ट्राई करके अपने कमेंट के थ्रू अपना फीडबैक जरूर देना फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।